अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुंबई की हमारी जैसी ट्रिप बनी थी जिसमें मैंने आप लोगों को कल डिक्लेयर किया था कि हम लोग मुंबई आ रहे हैं, जिसमें कुछ फार्म हम आप लोगों के लिए कवर करेंगे। आज ये हमारा पहला वीडियो है मुंबई का, जिसमें हम आए हैं मेमन गुड फार्म पर विथ माई टीम सिकंदर भाई एंड फरहान भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। सिकंदर भाई और फरहान भाई, हम जो भाई साहब के पास है मेमन गुड फार्म, कहाँ पर आए थोड़ा सा आप मुझे बता दीजिए। इस बार ये वसई में है। असल में वसई में है भाई का काम, एकदम पलाई में और ट्रेडिंग में माशाल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम भाई। भाई आपके बारे में कुछ जानना चाहूँगा, आपका नाम? मेरा नाम अरफात है। अरफात भाई हाँ जी। और मेमन गोट फार्म अपना है। अच्छा। और वसई मुंबई के आउटस्कर्ट पे एरिया पड़ता है वसई जी, करीबन एयरपोर्ट से 65 to 70 किलोमीटर है। ओके। तो यहाँ पर लोकेटेड है। ओके। तो आपके फार्म का कॉन्सेप्ट जानना चाहूंगा मैं, आपका फार्म किस कॉन्सेप्ट पर काम करते हो? पलाई और ट्रेडिंग दोनों कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। पलाई प्लस ट्रेडिंग दोनों भी है आपका? दोनों कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं। ठीक है। कब से करते हो आप काम? करीबन 2016-17 से चालू काम। 2016-17 में। और कौन कौन सी ब्रीड है जो स्पेशली आप जिसमें अच्छा, मतलब आपका काम? सर पूरे ब्रीड में काम करते हैं जी, बट ज्यादा फोकस सोजत में। सोजत में कोटा के अंदर है, गुजरी है ईद के टाइम पे बेचने वाला। अच्छा। राजस्थान का जो बेल्ट है उसके तो ऑलमोस्ट है मेरे पास बकरे सब, और अभी एग्जॉटिक में भी काम चालू किए। एग्जॉटिक में भी काम शुरुआत की है। कितना वक्त हो गया बोले आपने आपको फार्म स्टार्ट किया? 2016-17 से। 2016-17 से, 7 साल के आसपास में जी। ठीक है। तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर आप एक बार शेयर करेंगे? 866 जी, 866 जी, 96 हाँ, 777-86। ओके। हमारा ये नंबर एक और दूसरा भी नंबर है, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, मुझे बाय हार्ट नहीं। ओके चलेगा भाई साहब। यहाँ पर आपका एक कॉन्टेक्ट नंबर ऊपर भी है? नहीं, ये कॉन्टेक्ट नंबर फिलहाल वर्किंग नहीं है। अच्छा। ओके। जो मैं आपको स्क्रीन पे आप डालोगे ना। चलेगा चलेगा। तो क्या बताएंगे आज अरफात भाई इस वीडियो में? हमें फार्म टूर कराएंगे इंशाल्लाह भाई। फार्म टूर करवाएंगे। और हमारा तो अमूमन मैं एग्जॉटिक्स ज़्यादा बनाता हूँ, जैसे हमारे औरंगाबाद में जो शौक होता है, लेकिन मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं मुंबई आऊँ, कुछ कोटे बकरे जो उनकी गुर्रानी की आवाज़ है वो सुनूं। जी जी। तो आज ये दोनों भाई की वजह से आज ये पॉसिबल हो सका। तो कुछ कोटे हैं अपने पास बताने के जैसे, और कुछ सेल करेंगे आप? कोटा बकरे सेल के लिए तो नहीं है हाँ, बट दूसरे बकरे हैं इंशाल्लाह, वो दूसरे दिखाएंगे जो सेल के लिए। चलेगा। थोड़ा सा शॉर्ट टूर करवा दीजिए आपका फार्म का, और कुछ बकरे बताइए आप। जैसा भी देखेंगे जी, यहाँ जो जगह खाली दिख रही है जी, इसके बकरे अपने बाहर साइड में है, जो गेट है हाँ, से पूरे बकरे बाहर है। ओके, ओके। में फ्री बाहर स्पेस में छोड़ा है जी, फ्री स्पेस में बाहर जाते हैं। ओके। ये एरिया पूरा खस्सी का है भाई, इसके अंदर और बाहर आप दिखा सकते हो व्यूअर्स को जी, कि बाहर बकरे है, मतलब प्लेइंग एरिया भी है, फीडिंग उनकी दिन में बाहर होती है। हम जाके शेर को दिखाएंगे वहाँ से जी, कुछ बकरे हैं वहाँ पर दिखाने के जी, तो जी, हम इंशाल्लाह दिखाएंगे। और ये पूरा केजेस वाला सिस्टम है जी, इसमें कुछ सानिन बकरे हैं जी। अरफात भाई, कितनी कैपेसिटी का आपका ये फार्म है? करीबन 200 बकरे का। 200 बकरे हैं? 200 से 250 बकरे। ठीक है। इसमें पलाई के कितने जानवर है आपके पास अभी? ऑलमोस्ट भाई अभी फिलहाल मेरे पास था 150 से 155 बकरे है। 150 से 100 120-130 बकरे पलाई। ओके। तो कुछ बकरे मेरे ट्रेडिंग के हैं। ट्रेडिंग के भी है आप जी। तो आप जैसे पलाई करते हो, तो अभी फिल वक्त कुछ स्पेस अवेलेबल है आपके पास? भाई अभी ना कल 2 बकरे अपने गए हैं। अच्छा। मतलब दो इससे पहले फाज भाई ने फार्म टूर की शूट करे थे जी, जी जी जी। तो 2 बकरे थे बड़े जी, वो कल ही बिके। अच्छा। मतलब वो बिके इन सेंस कि हमारे लोकल में बंदे रहते हैं यहीं पर वसई के अंदर, तो उनका एक सेटअप का काम चल रहा था। अच्छा। तो उनने हमारे पास रखे हुए थे, अभी उनने कल ही लेके गए, उनका काम पूरा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 2 केजेस अभी एम्प्टी है जी? 2 केजेस। ठीक है। तो आपके पास बुक करवा सकते हैं अभी 2 केजेस? जी जी, करा सकते हैं। पलाई रेट्स क्या है अपने? पलाई रेट्स 80 बकरों का 3,000 रुपये है, और आंडू बकरे का 3,500 रुपये है, और 1,000 रुपीज वैक्सीनेशन चार्जेस है। वैक्सीनेशन चार्जेस है। और कुछ जिक्र कर रहे थे कि आप मोर्टेलिटी का कुछ जी, है? जी, मोर्टेलिटी रिफंड की स्कीम है अपने पास। जैसे कि कोई बकरा अपने पास से परचेस करता है जी, तो उसकी डे वन से, मतलब आज परचेस किए तो आज से उसकी गारंटी वारंटी चालू, आज से रिप्लेस देते बकरा। बहुत सारे फार्मर्स पहले ही उस चीज़ को, मतलब वो कर देते अवॉइड कि भाई
हम आपको साफ तौर पे बता रहे कि ये चीज़ हम नहीं देते हैं जी, लेकिन आप ये दे रहे हो एक शौकीन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये सब चीज़ें मतलब डिसाइड करके कि अपना जो मिडिल क्लास का तबका है जी, जी, जी। जो ईद के टाइम पे यहाँ वहाँ भागता है जी, आदमी अक्सर पलाई पे बकरा क्यों नहीं रखता है, हमने ये क्या सोच के किया था जी कि आदमी 10,000-20,000-50,000 का बकरा तो ले लेता है जी, बट बकरा मर जाता है तो फिर उसकी या तो शौक खत्म हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, फिर हिम्मत नहीं कर पाएगा वापस एक बजट बना के करने के लिए बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग सोचना क्या रहता है, मैं पलाई पे भी रख सकता हूँ, पे भी कर सकता हूँ, बट फिर बकरा मरेगा तो फिर कुर्बानी क्या करेगा, वापस एक बजट तैयार करना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने ये सोच के किया है कि एटलीस्ट कुर्बानी तो हो जाएगी घर के ऊपर बिल्कुल हो जाएगी बिल्कुल। तो रिप्लेसमेंट है आपके पास? रिप्लेसमेंट है उसका, ऐसा है भाई दरअसल हमारे पास से लेंगे तो तुरंत आज से उसकी गारंटी वारंटी चालू होगी, अगर कोई बाहर का बकरा हमारे पास लेके आता तो एक महीने के बाद उसकी गारंटी, मतलब वो टोटली जब तक सेट नहीं हो जाता तब तक एक महीने के अंदर अगर उसको कुछ होता है तो हम रिप्लेस नहीं करेंगे। ओके ओके ओके। अगर एक महीने बाहर का बकरा रहेगा तो, लेकिन आपसे परचेस किया तो एक दिन से तो डे वन से जी जी उसका काम चालू होता है। ओके ओके ओके। और उसके चार्जेस थोड़े अलग है, मतलब जैसे हम 3,000 रुपए खस्सी बकरे का लेते हैं तो वो बकरे का 3,500 रुपए लेते हैं, और आंडू बकरा रहेगा तो 4,000 रुपए लेते हैं, और 1,000 रुपीज ईयरली वैक्सीनेशन चार्जेस वो अलग से जी चलेगा। ठीक है, तो एट प्रेजेंट आपके पास 140 बताया ना आपने? हाँ, 150 बकरों के ऊपर है भाई जी, जी। बट पलाई पे करीबन 120-130 बकरे। ओके, तो ये भी बात जानना चाहूंगा, एट प्रेजेंट आपके पास इस बकरीद के लिए कोई सबसे हैवीएस्ट बकरा है जो तैयार हो रहा है? है भाई, बकरे हैं, वो इंशाल्लाह रमजान बाद शूट करेंगे जी जी। और एक बंदे है आपके उधर के औरंगाबाद के, अच्छा, अब्दुल मोहित भाई औरंगाबाद के हैं। क्या बात है, कुछ बकरों में से उनका बकरा भी हेवी वेट में इंशाल्लाह आएगा। आप लोग ने भी देखा है, भाई लोग ने भी देखे, सिकंदर भाई लोग ने भी। काफी खुशी हुई कि किसी औरंगाबादी का नाम सुनकर कि उनके बकरे भी आ रहे हैं मुंबई में। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जो शौक करते हैं आपके उधर से? जी जी, हमारे एक साथी हमारे साथ जो आए हैं औरंगाबाद से, वो भी काफी अच्छा शौक करते हैं, हमारे फराज भाई, उन्होंने भी कुछ अभी बकरे रिसेंटली मुंबई में भेजा है, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हमारा भी शौक आप लोगों के साथ जुड़ रहा है, है ना। तो हम यही चाहेंगे ये जो भाईचारा है औरंगाबाद वालों और मुंबई वालों में ये बना रहे, है ना। हाँ, चलेगा, थोड़ा सा आप सेटअप का टूर करवाइए आपका माशाल्लाह जी। जी वगैरह फीडिंग में क्या है आपका? फीडिंग दो टाइम अपन दाना देते हैं, जैसे कि अभी सुबह चुनी है, तुअर की चुनी है, भूसा है, इसमें मल्टी विटामिन मिक्स करके उनको देते हैं, बकरे को वो डाले हैं, उसके बाद फिर पानी पिला रहे हैं, अब पानी पीने के बाद बकरा फिर वापस से खाएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसके बाद हरी पत्ती देंगे इसके बाद जी, और फिर शाम को मक्का देंगे जी। कुछ बकरों को मिक्स फीड देते हैं, चुनी वापस देते हैं, कुछ बकरे को मक्का गेहूं मिक्स देते हैं। ओके ओके। और उसके बाद फिर हरी पत्ती देते हैं। और आपका जो फार्म है काफ़ी बेहतरीन तरीके से मेंटेन किया है, और आपको ये नहीं पता था कि मैं यहाँ पर वीडियो शूट करूँगा, बाई चांस ऐसा लगेगा लोगों की कि भाई वीडियो शूट हो रहा है बोलकर, इतना क्लीन है, बहुत क्लीन है। बकरे सुबह बाहर निकलते हैं, फिर लोग हैं अपने तो साफ सफाई करते हैं, ये पूरा फिर फीडिंग बाहर कराते हैं। और ये अर्ली मॉर्निंग का टाइम है, हम काफी फार्म को देखते हैं सिकंदर भाई, ऐसा मतलब बहुत अच्छी तरीके से हाइजेनिक तरीके से रखा है। शहर देखने में आता भाई फार्म, उनके बाद माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से एकदम बाहर छोटे भाई, एकदम धूप वगैरह मिलती है। अरफात भाई, आपने बकरों को काफी एम्पल ऑफ स्पेस दिया है, हर एक बकरे को भाई केजेस बहुत माशाल्लाह बहुत बड़े है, और जो ये काम किया हुआ है ना भाई, 14 गेज का पतरा है, 14 गेज का, हाँ 14 गेज का पतरा है, इस पे अगर मेंढा जो सिंह वाले मेंढे है ना, वो पूरी फोर्स से मारने के बाद भी पतरे बैंड नहीं होते बैंड। और सबसे बेहतरीन चीज यही लगी मुझे कि बकरे को खेलने के लिए अंदर बहुत स्पेस दिया आपने। आपने देखे रहेंगे बड़े बड़े बकरे, हाँ, हाँ, जो लंबी लेंथ के हैं, पूरा बकरा घूम सकता है, ऐसा भी खड़ा रहेगा ना भाई जी, तो भी मतलब इधर से इधर कोना लगेगा नहीं बकरे को। सही। उसके बाद यहाँ पर कुछ बकरे एग्जॉटिक्स का तो आपके पास है ही अभी बकरे माशाल्लाह, इसमें से सारे बकरे क्लाइंट्स के? ये बकरा मेरा है, ये अच्छा, अभी ये दो दिन कल आई वीडियो शायद इसकी वीडियो से ही। अच्छा, आई कल एफएसए एंटरटेनमेंट पे आई। अच्छा 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 अच्छा। जी जी जी, 3-4 बरबरे थे। हाँ हाँ हाँ, देखो राइट से ये बरबरा था जी जी, अभी 6 दांत पे वही बरबरा ये जी, और 47 या 48 केजी तुला था। रात को मैंने वेट किया था। ओके ओके, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह। वहाँ पर एक मेवाती भी आपके पास, मेवाती है ना? मेवाती जी।
बेंटम भी नजर आ रहे हैं अरफात भाई जी। वो एक हमारे लोकल के बंदे गए जी, वो अभी अजमेर का हुरूस चल रहा है ना जी जी जी, तो वो लोग सब लोग वहाँ गए हुए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, कुछ दिनों के लिए वो मेरे पास है। ओके ओके, तो कुछ दिनों के लिए आपके पास छोड़ा। एक हाईपैड है माशाल्लाह से। अरफात भाई, मैं नोटिस किया कुछ बकरियाँ भी है आपके पास जी, फीमेल्स भी है भाई। तो ये आपकी ब्रीडिंग सेटअप है या ट्रेडिंग का है आपका? दरअसल मैंने एक बंदे को दिया था जी बकरियाँ, छोटे छोटे पट दिए थे, उनका फार्म था, उनका बाईपास का ऑपरेशन हो गया तो हमने फार्म क्लोज किया। ओके ओके, तो वो सब फिर मैंने लेके आया हूँ उससे। अच्छा, वो सारे आपने लेकर आए। तो कुछ आपके पर्सनल लेवल पर है कि बकरियाँ आप दे सकते हैं? एक्चुअली ना ये आंडू बकरे की वजह से ना फीमेल नहीं रख पाता हूँ, बिकॉज सामने सामने रहते हैं और एक भी बकरी हिट करे ना भाई, बकरे बहुत परेशान करते हैं, फिर वो सिंग मारना, खाना नहीं खाना, बहुत तकलीफ करे। इसलिए मैंने यहाँ पर प्रॉपर ब्रीडिंग सेटअप पे अपना ध्यान दिया। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बढ़िया काम है कि बकरियाँ दूर रखे तो बेहतर है ना, ऐसा सही। बिकॉज वो नुकसान मैंने भोगा, हाँ हाँ हाँ, मैंने फिर फीमेल्स कम कर, फीमेल्स कम कर, चलेगा ठीक। ये बकरा भाई सोजर और सोजा तो हैदराबादी। अच्छा, हैदराबादी से याद आया, फहद भाई भी आए थे। फहद भाई का भी ये कंसर्न था कि भाई हैदराबादी क्यों नहीं आते हमारे पास जैसे पलाई पर, तो आपको क्या लगता है? क्या हमने हैदराबादी में काम किए जी, काफ़ी काम किए, बट कभी कभार शो बहुत ऊपर पे रहता है, कभी एकदम मतलब स्टेबल शो नहीं फिलहाल यहाँ के लिए, जैसा मेरे हिसाब से। हाँ हाँ, बाकी करने वाले तो बहुत ऊंचे पैमाने पे बहुत ऊंचे। तो यही मैं पूछ रहा था, मुंबई वाले हैदराबादी का शौक मतलब ज्यादा हमने नहीं देखा है कि इतना हैदराबादी का जैसा हिसाब से ना, हैदराबादी बकरा बनता नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, और बनने के बाद भी क्या वजन आ जाता है, सब आ जाता है बकरों को, फिर समझ में अपनी अपनी पसंद है, सबकी पसंद है। इन द एंड वही आता है कि अपनी अपनी सबकी पसंद है, सबकी पसंद है, वही है जो कोटा बनकर आता है, लेकिन वो बात ही अलग होती है उसकी। कोटा में भाई सब चीजें ना, पूरा चीजें मिलता है, लुक मिलता है, कलर मिलता है, एग्रेशन मिलता है, बिल्कुल वेट मिलता है, बिल्कुल सब चीजें आती है। बिल्कुल सही बात है। तो ये कुछ चंद चीजें बाद में एंड में तो वही है कि भाई सबका अपना अपना शौक, अपना अपना शौक है, कोई अपने हिसाब से करे, कोई अपने, सही है बिल्कुल। एक और कोटा है यहाँ पर, ये कोटा एट प्रेजेंट कितने वजन पर है? ये मैंने राजस्थान वाला जो सेटअप था जी, वहाँ उसको वेट किए थे तो 78 केजी आया था। 78 to 80 हाँ, इसके बीच में आया था। आपके पास कितना हो गया अभी? अभी तो भाई अभी आया ही है। अच्छा, अभी आया है, एक हफ्ता हुआ है बस इसको आकर, कलर का डाक भी नहीं गया उसका। बहुत खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। कुछ ऐसा बकरा है जिसमें आपने बहुत ही जैसे सरप्राइजिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखा, कुछ ऐसा है इसमें जैसे आपने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया था ये इतना अच्छा बना? वो बकरा बैठा है वहाँ पर, अब अपन अंदर जाएंगे तो दिखाएंगे इंशाल्लाह। जी जी, खास 10 किलो वेट गेन किया कितने दिन में? लास्ट 1 month का रिजल्ट है। एक मंथ में 10 किलो जी वो बकरे ने वेट गेन दिया, एक्सपेक्टेड नहीं। बहुत एस्टोनिशिंग है ना ये, मतलब अनबिलीवेबल। कोई कोई बकरों में भाई आता है ऐसा कभी कभार, क्या बात है, 10 किलो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। एक बार अभी मेरे को उसको 10 kg उसका वेट गेन है, हालांकि वो बकरा कुछ टाइम से टाइम हो गया मेरे पास उसको, 10 kg का वेट गेन दिखा रहा है। वही मैं बोला इंशाल्लाह उसको वहां पर जाकर बताएगा। हर एक बकरे में तो पॉसिबल नहीं है ना 10 kg भाई, हर एक एवरेज भाई पूरे साल का 3 to 4 kg का एक अच्छा मान, अपन तो पूरे फार्म का ही एवरेज निकालेंगे, इस बकरे का तो हिसाब कर नहीं पाते बिल्कुल, तो वो हिसाब से 3 to 4 kg का एवरेज आता है भाई। ओके ओके ओके, वेट का चलेगा। ये नस्ल कौन सी है भाई? ये भी ये बहुत बड़ा बकरा है, अभी तीसरा दांत कर रहा है ये बकरा, खजूरी कान में बोलेंगे, गुजरी ब्रीड है भाई, गुजरी ब्रीड है ये भी, काफी बड़ा बकरा है माशाल्लाह। 75 kg के आसपास। और बरबरा है यहाँ पर, बरबरे का काफी अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है आपके पास? अभी थोड़ा सा कर रहे हैं इंशाल्लाह उसके अंदर काम जी, के अंदर जैसा बताया जी जी। अल्हम्दुलिल्लाह, मुंबई वाले बरबरों को हमेशा से ही पसंद करते हैं। ये अदंत है, अभी गैप किया है, कितनी आज ही चेक किया, अभी गैप किया है इसने बस। बहुत अच्छी सींग है इसकी, एकदम खड़ी सींग है, और बनेगा इंशाल्लाह। ये अपना ही है बकरा, ये आपका ही है जी, अपन शॉप के लिए रखा है। एक्सोटिक्स में भी दे देंगे आप किसी को जैसा रिक्वायरमेंट है भाई। ये तो कैसा है, कुछ मन जैसे पैसे लगे तो, वरना तो ये रखना है अपने को, इसको इरादा 6,000 पूरा तैयार करके, पूरा तैयार करके, और उसमें बहुत सारी जगह नजर आई है, दिखाया ना मैंने अदंत पे, अगर आप बोले तो मैं दांत भी दिखा दूँ इसके, दांत दिखा देंगे? हाँ दिखा देंगे, देखो आ रही है, अदंत है, गैप भी नहीं है शायद, अच्छा छोड़ स्लाइटली गैप है माशाल्लाह, सही है। तो अरमान भाई क्या वेट पर होगा अभी? ये आना चाहिए 25 किलो प्लस,
प्लस तो आराम से आ ही जाएगा। और मुझे इसकी सिंग बड़ी पसंद है, सिंग बहुत खूबसूरत है। 6 to 7 इंचेस रहेंगे भाई सिंग जी, आपके अंदाज़ आराम से और खूबसूरती बड़ी है उसमें सिंग में, बिल्कुल मन मुताबिक पैसा आया तो देंगे जी जी। उसके बाद ये एक और काफ़ी खूबसूरत कोटा है माशाल्लाह। मुझे उस बकरे को देखने में काफ़ी दिलचस्पी लग रही है, वही है ना जो ऊपर आ रहा है, वही सही। ठीक है, थोड़ा क्विक हम बता देते हैं।